तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले को देखो। इसमें क्या है कि प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेशर ग्रेडियंट की मैचिंग कराओ। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? किसी भी चीज़ का ग्रेडियंट जो है, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो प्रेशर डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज है उसको प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और ये dx अपना लेंथ है। तो इसका मतलब हुआ फोर्स का होता है MLT-2, और एरिया एरिया L का स्क्वायर और लेंथ का L, ठीक है। तो एक L को ख़त्म कर दिया, तो इसका आ जाएगा M L की पावर -2 और T की पावर -2। तो देखो प्रेशर ग्रेडियंट किसके साथ मैच किया, M L की पावर -2, मतलब A का जो है वो थर्ड के साथ मैचिंग हो रहा है। तो A का थर्ड के साथ मैचिंग हो रहा है, A ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता और ये भी सही नहीं हो सकता। मतलब या तो ए सही है या तो ए सही है, ठीक है ना। फर्स्ट या थर्ड में से कोई सही है। चलो एक और कर लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो दूसरा है भाई एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करोगे तो एनर्जी आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 एनर्जी, और पर यूनिट वॉल्यूम एल की पावर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ, ये आ जाएगा एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। तो एम एल की पावर -1, टी की पावर -2। तो एनर्जी डेंसिटी का जो है वो इसका सेकेंड ही मैच कर रहा है, इसका ठीक यही मैच कर रहा है। इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशनल फार्मूला देखोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिकल फोर्स अपॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है एम एल टी -2, सारे फोर्स का यही होता है, चार्ज का होता है ए टी। तो इसका मतलब ये हुआ एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1। तो एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके साथ मैच कर रहा है अपना फोर्थ। वैसे से वैसे दो दो इसको और इसको निकाल लेते तभी भी अपना ये वाला मैच कर जा रहा, नहीं फोर्थ भी निकालना पड़े। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सी का फोर्थ के साथ मैच कर रहा, मतलब सी का फोर्थ का। अब बच जाता है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होता है, बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो फोर्थ जो है लेटेंट हीट, तो लेटेंट हीट जो है कुछ नहीं है। देखो लेटेंट हीट अगर बात करोगे तो हीट जो होती है वो मास मल्टीप्लाइड बाई लेटेंट हीट के इक्वल होती है। तो होता है लेटेंट हीट, हीट एनर्जी अपॉन मास, हीट हाँ मतलब हीट अपॉन मास, ये फार्मूला पढ़े हो गया। तो हीट अपॉन मास, हीट कुछ नहीं है, एनर्जी वर्क के बराबर है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 और मास का एम। इसका मतलब ये हुआ लेटेंट हीट का एल स्क्वायर टी की पावर -2 के इक्वल आ गया। तो फाइनली सोल्यूशन कितना बना भाई, तो फाइनली ये सोल्यूशन अपना बना, दैट इज थर्ड ऑप्शन सही, इसका फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है।